वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेशन स्टार्ट होता है और टॉपिक का नाम है आज डिमांड। तो बड़े डिटेल में हम डिमांड को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, एकदम से ही उन लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो पहले जो आपका डिमांड का पूरा इंट्रोडक्शन है, पहले उसको अच्छे से हम लेंगे आज की क्लासेस में, और वन बाय वन धीरे धीरे करते हुए हम सारे टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड किसे कहते हैं। तो बच्चे, जनरली अगर आप देखेंगे कि डिमांड के लिए क्या होता है, कि आपके लिए डिमांड के लिए क्या कह रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन पे आए तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या मतलब इसका, ये समझिए। अगर आप मेरे पास में आते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि सर मुझे स्टडी करनी है, पढ़ना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि भैया क्या पढ़ना है आपको बच्चे। आपको कहें सर मुझे पढ़ना है। मैं आपसे कहूँगा कि भैया क्या पढ़ना है। आपको कहें नहीं सर मुझे बस पढ़ाई करनी है। मैं भाई क्या पढ़ाई करनी है बताओ, वो पढ़ाएंगे। आपको कहें नहीं सर पढ़ाई करनी है। तो आप कमोडिटी तो बता रहे हो, बट आप उसकी क्वांटिटी नहीं बता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़नी है, और इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसका कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है। तो अगर आप क्वांटिटी नहीं बताते हो मुझे, तो फिर मैं आपके जो आप मुझसे मांग रहे हैं उसको एज अ डिमांड कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा ऐसे। तो ऐसे आप एक दुकानदार पे भी जाइए, आप उससे बोलिए कि सर राइस दे दो, वो कहेगा आपसे भाई कितने दूँ। आपको कहे नहीं राइस दे दो। आपको कहे कितने, कहो नहीं मुझे चावल चाहिए। कहे कितने चाहिए, कहे चावल चाहिए। अब भाई कोई कमोडिटी आपकी डिमांड थोड़ी होती है। अब दुनिया में जितने भी राइस हैं वो सब थोड़ी चाहिए होगा आपको, तो कोई कमोडिटी आपकी डिमांड नहीं होती है। उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी होती है ना, वो अगर आप बोलते हो सर 10 केजी राइस दे दो, तो वो उस राइस जो कमोडिटी है उसका 10 केजी आपको ला करके दे देगा। और आपकी डिमांड बेसिकली पूरा कमोडिटी पूरा कंप्लीट राइस था, या उस राइस का 10 केजी था। क्या था डिमांड आपका, पूरा राइस आपका डिमांड है या 10 केजी डिमांड है? 10 केजी है ना। तो डिमांड होता क्या है, कमोडिटी होती है या क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी होती है? डिमांड क्या होता है, कोई कमोडिटी आपकी डिमांड होती है या उस कमोडिटी की क्वांटिटी आपकी डिमांड होती है? क्वांटिटी होती है। तो इसलिए कह रहा है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी जो कमोडिटी का जो क्वांटिटी है जो आप ले रहे हैं वही आपकी डिमांड है। वो कमोडिटी कितनी पड़ी है, कितनी रहती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो क्वांटिटी आप लेके चल रहे हैं वही आता डिमांड कंसिडर होगी। क्लियर है? दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। अब ऐसा भी होना चाहिए कंज्यूमर उसको खरीदना चाहे भी और एबल टू बाय। क्लियर है बच्चे? आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और आप खरीदने के लायक भी होनी चाहिए। मेरी बात समझे? क्लियर है? अभी दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, आपको खरीदने की इच्छा नहीं है, आप सीधा चले गए वहाँ से, तो वो आपके डिमांड में थोड़ी कंसीडर हो जाएगा। आपको उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और आप खरीदने के काबिल भी होने चाहिए, एबल भी होने चाहिए। अब आप एक 500 रुपये की चीज़ को बोलते हो कि जी ये 50 रुपये में आप लगा दो, दुकानदार बोलेगा भाई नहीं मैं नहीं दूंगा, तो वो आपकी इस चीज़ को ऐसा डिमांड कंसीडर करेगा, ऐसा डिमांड कंसीडर नहीं करेगा। तो उसको खरीदने के आप एबल भी होने चाहिए। तो एबल टू बाय एट अ एज पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कि आप एक दुकान पे गए, आपका आपके घर के आसपास कोई ऐसी फेयर प्राइस शॉप होगी, परचून की राशन की दुकान होगी, है ना, जहाँ से आप लोग राशन लेते हैं, शायद सालों से ले रहे होंगे आप वहाँ से। तो उस समय आप 10 केजी राइस लेते हैं, तो आपकी डिमांड कितनी है? 10 केजी राइस की डिमांड क्या आपकी? 10 केजी राइस। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो 20 साल से ले 15 साल से ले कर जा रहा हूँ तो मेरी तो इतनी डिमांड है, या फिर मैंने फ्यूचर इतना लेके जाऊँगा तो मेरी इतनी डिमांड है। नहीं, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो आप क्वांटिटी ले रहे हो वही आपके डिमांड में कंसीडर होगी। पास्ट में कितना लिया, फ्यूचर में कितना लोगे, वो ऐसा डिमांड कंसीडर नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहा है ये, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आए बच्चे? तो पूरा पढ़ते हैं अब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होता है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब समझ में आया इसका डेफिनेशन क्या आपको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या होता है, ये पूरा थियोरेटिकल आपका रहता है, संधिगर में देखोगे ना तो ऐसी शुरुआत है, व्हाट इज द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। मैंने क्या करा, उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे लगा दिया, जिससे कि आपको पता रहा कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे और कितना आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड शेड्यूल्ड। तो हमें यहां पर क्या पढ़ना है बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ का मतलब क्या होता है बच्चे, उस बात को जरा समझते हैं। देखिएगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ मतलब क्या होता है, एक नियम बना हुआ है। जैसे कि आप देखें तो दिन में रोशनी होती है और रात में अंधेरा, ये नियम है, आपने इस नियम को देखा है। कभी कदार कुछ ऐसे केस आ जाते हैं, जैसे कि आज की मैं बात बताऊं तो आज दिन में अंधेरा हो गया था, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया कि कभी कभी जब बादल हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है वेदर, देन उसके बाद आपका दिन में भी एकदम अंधेरा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, बट वो तो एक्सेप्शनल केस है। बट जनरली क्या होता है, दिन में रोशनी और नाइट में अंधेरा, ये क्या है, ये लो है, एक सिद्धांत है, लो है नहीं। ऐसे ही डिमांड का भी अपना एक लो है, एक सिद्धांत है, डिमांड का भी अपना एक लो है, वो लो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। जनरली देखिए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में आपका है लॉ ऑफ डिमांड, बच्चे देखिए एक कोई कमोडिटी है, उस कमोडिटी को आप एक्स कंसीडर कर लेंगे, एक कमोडिटी है इसको आप क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स, क्लियर है। और इस कमोडिटी के अपने एक प्राइस होगी ना बच्चे, इसका अपना एक प्राइस होगा और इस कमोडिटी की अपनी एक डिमांड भी होगी। प्राइस को जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिमांड को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझ में आई बच्चे। तो देखिएगा क्या होता है जनरल, जो जनरल बिहेवियर है, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया होगा किसी भी कम्युनिटी, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ऐसे आप देखते हो कि ऑनियन के रेट बढ़ जाते हैं, प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, तो फिर हम लोग सलाद में खीरे का इस्तेमाल करते हैं, जो छोले भटूरे वगैरह वाले बेचते हैं ये भी प्याज नहीं खरीदते हैं, ये भी खीरे का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो देखते हो आप जो डोसा वगैरह बेचते हैं ये रेड वाली सॉस जो होती है टमाटर से, उसको वो नहीं बनाते हैं उस समय। तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या करते हैं उसकी, हम कम करते हैं ना उसकी डिमांड, डिमांड क्या करते हैं उसकी, ऐसे ही हमारा बिहेवियर रहता है। और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या करते हैं हम, अगर प्राइस कम हुआ, प्राइस फॉल हो गया, सस्ता हो गया, तो उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऐसा हमारा बिहेवियर रहता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या करेंगे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, कम करेंगे, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या करेंगे हम, डिमांड हम बढ़ा देंगे। जनरली ऐसा बिहेवियर होता है हमारा, जनरल बिहेवियर, मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा ही होता है, नहीं तो आप मुझसे क्रॉस काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, सर कोविड में तो देखो मास्क एंड सैनिटाइजर के रेट बढ़ रहे थे तो डिमांड कहाँ कम हुई थी। मैंने बोला ना कि लॉ के में कई बार होता है कि वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्शनल कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं उसको, क्लियर है। फिलहाल मैं आपको एक्सेप्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शंस भी आएगा अगला टॉपिक। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या है, नियम, लॉ क्या है, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस अब डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज। तो आप एक चीज देख रहे हो, प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डिमांड उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है डिमांड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपोजिट रिलेशन। इसको हम क्या एक और भी बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं।
इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें, इसके नाम है, आप क्यों भी नाम से बोला, जनरली इन्वर्स रिलेशन ज़्यादा बोला जाता है। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आपको आई? क्लियर है, तो ये थ्योरी है। अब देखो इकोनॉमिक्स में ना एक ही आंसर को 3 बार लिखना होगा पेपर में। कैसे, मत क्यों, एक तो उसको थियोरटिकल वर्ड में, ठीक है ना, और एक बार उसको एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल के थ्रू। हाइपोथेटिकल शेड्यूल क्या होता है, लाइक इमेजिनरी नंबर। हाइपोथेटिकल शेड्यूल क्या होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कोई पक्का कोई सर्वे वर्वे नहीं करा आपने, आपने इमेजिन कर लिया कुछ भी ऐसा फिगर माइंड में आया, आपने सोच लिया, ऐसा नहीं कि किसी से आप डेटा कलेक्ट करके लाए हो, ऐसा नहीं है, आपने जो मन में आया सोच लिया उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथेटिकल नंबर। ठीक है ना, क्लियर है, तो हाइपोथेटिकल शेड्यूल से इसी चीज़ को हम समझेंगे। क्लियर है बच्चे, क्या समझते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। लाइक कुछ भी आप अज्यूम कर लो, प्राइस क्या अज्यूम करोगे आप बताओ, 10, क्वांटिटी 100 यूनिट्स। क्लियर है, प्राइस को मैं बढ़ा रहा हूँ 12, 15, 20, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपका डिमांड क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड क्या होता है, डिक्रीज, तो आप डिमांड को कम करके दिखा दो, 90, 80, 65, कुछ भी नंबर आप ले लो, बट डिमांड कम होना चाहिए यूनिट्स। क्लियर है बच्चे, तो ये एक हाइपोथेटिकल जो मन में करा आपने, बट अपने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करा है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे सर और भी तो दूसरा भी तो इसका था, वो भी बता सकते थे आप, बिल्कुल सही, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस 10 रुपीज एंड क्वांटिटी 100 यूनिट्स, प्राइस फॉल हो रहा है 9, 8 एंड डिमांड फिर राइज होगा 105, 110। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, तो आप ये भी बात भी कह सकते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपका इंक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल शेड्यूल्ड। सेम चीज़ आपने भी जो पीछे बोला यही चीज़ आप अभी भी बता रहे हो, बट आप किसकी हेल्प से बता रहे हो, आप किसकी हेल्प से बता रहे हो, आप एक शेड्यूल्ड के हेल्प से बता रहे हो, ठीक है ना। अब यही सेम आंसर देना है आपको डायग्राम के थ्रू। अब डायग्राम का क्या रोल है, आप जैसे कोई भी स्टोरी आप अपने बुक में पढ़ो और उस स्टोरी के ऊपर अगर कोई मूवी बन जाती है तो मूवी के थ्रू उस स्टोरी को देखो, दोनों में फ़र्क आ जाता है, समझ में बेटर आता है, बट दोनों में तो सेम स्टोरी ही है, चाहे बुक से पढ़ लो चाहे आप जाके सिनेमा हॉल में जाके देख लो। जैसे कि रामायण आपने देख लिया, क्या रामायण का एग्जांपल तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो रामायण के में लिखा हुआ है वो और जो रामायण सीरियल में है वो, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, मान के चलो 40% के आसपास फ़र्क है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कोई ऐसी रियल स्टोरी जो कि आप किताब में पढ़ते हैं उसको फिर आप वीडियो विजुअलाइज कर दें तो उसमें ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर भी हम अपनी थ्योरी को जो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं इसको विजुअलाइज करेंगे लाइक डायग्राम के थ्रू। क्लियर है बच्चे, डायग्राम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम की बात कर रहा हूँ ना, तो डायग्राम के बारे में पहले आप समझिए। डायग्राम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन का, एक बार मैं सारी बातें बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा डायग्राम कितने टाइप के होते हैं क्योंकि हर बार डायग्राम बनेगा। एक पॉजिटिव रिलेशन होता है डायग्राम में, पॉजिटिव रिलेशन मीन्स क्या होता है बच्चे पता है आपको, एक जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है दूसरा भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, समझे, अगर एक कम हुआ तो दूसरा भी कम हो रहा है, इसको पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम जो है पॉजिटिव स्लोप भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चे, और ये डायग्राम कैसा बनता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ठीक है, बना के दिखाता हूं कैसे, देखो वैसे ग्राफ कैसे पढ़ा था आपने अपने स्कूल में, ऐसे
ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जितना आगे जाओगे डेटा उतना बढ़ेगा, जितना ऊपर जाओगे डेटा उतना बढ़ेगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। लेकिन आप बताओ कि प्राइस और डिमांड की अगर बात करते हैं तो प्राइस क्या नेगेटिव होता है? जीरो। प्राइस का जीरो से लेस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। क्या डिमांड कभी नेगेटिव, ज़्यादा डिमांड नहीं करोगे यही होगा, बट क्या डिमांड कभी नेगेटिव होगा? तो आपके ग्राफ में नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, बात समझे? इसलिए जब भी ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही रखेंगे, ठीक है बच्चे? तो यहाँ देखो, ये वाई है, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है। उसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा बच्चे? इसका जो डिमांड कर्व आप देख रहे हैं वो बनेगा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ। क्लियर है बच्चे? कैसा बनेगा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, वैसे इसे कहते हैं लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। इसमें कर्व, इससे क्या मतलब है चेक करते हैं क्या होता है। देखो एक एक को मैं बढ़ा रहा हूं है ना, दूसरा भी क्या हुआ देखो, ऑब्जर्व करो, एक बढ़ा तो दूसरा भी क्या हुआ, बढ़ा है ना। अगर घटाऊंगा तो कर्व को टच करके नीचे उतर जाना होता है। अगर ये घटा यहां से यहां हो गया तो ये भी क्या हुआ, घटा। तो ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, एक जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है दूसरे में भी। तो कभी पॉजिटिव रिलेशन होता तो डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनेगा पूरे इकोनॉमिक्स में। बार बार ये बात बताऊंगा नहीं, आगे तो मैं जो टॉपिक है मैं उस पर फोकस करूंगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अब हम यहां पर आते हैं। एक बच्चे क्या होता है डायग्राम, दूसरे टाइप का डायग्राम क्या होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन कहते हैं उसको हम। नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है बच्चे, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज, अगर एक डिक्रीज हुई तो दूसरी इंक्रीज। क्लियर है बच्चे? इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है सारी चीजें। तो इसमें हम डायग्राम कैसा बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ऐसे होता है, ये है ना डाउन नीचे आ रहा है ना। देखो लेफ्ट टू राइट ये भी गया, लेफ्ट टू राइट ये भी आया, बट ये क्या है अपवर्ड गया, ये डाउनवर्ड आया। ये नेगेटिव, ये क्यों ऐसा बनाते हैं वो भी जरा समझ लो। देखो ये है यहां पे, कर्व को टच करते नीचे आ जाए करो। अब देखो एक चीज में बढ़ा रहा हूं, ठीक है, कर्व को टच करा नीचे आया, दूसरा क्या हो गया देखो ध्यान से, एक बढ़ाया यहां से यहां हो गया ना, दूसरा क्या हो गया, यहां से कम हो गया, ठीक है। और देखो एक में क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं ना यहां से, तो यहां टच करके नीचे आ, तो दूसरा दूसरे एक्सिस पे क्या हुआ, डेटा बढ़ गया। तो मान के चलो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है प्राइस और ये क्या है क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, प्राइस मैंने क्या करा, बढ़ाया, तो नए वाले प्राइस का नाम क्या रख रहा हूं मैं, पी वन। पहले प्राइस का लेवल क्या था, ओ पी, यहां पर क्या है बच्चे प्राइस, यहां पे क्या है बच्चे क्वांटिटी। देखो प्राइस पहले कितना था, ओ से ओपी था, अब कितना हो गया, ओ से ओपी वन, प्राइस बढ़ गया। तो अब देखो डिमांड पहले कितना था ओपी पर, ओपी जब प्राइस था तो डिमांड कितना था ओ क्यू, जब प्राइस ओपी वन हो गया तो ये ओपी वन है ना, तो डिमांड क्या हुआ क्यू वन, तो डिमांड क्या हुआ घटा या बढ़ा, पहले डिमांड इतना था ओपी पर, अब ओपी वन पर डिमांड कितना है, तो जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ कम हुआ, देख रहा है दिख रहा है आपको, और जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुआ, तो देख रहे हो। तो ये इन्वर्स रिलेशन बता रहा है ना, अगर एक चीज बढ़ी है दूसरी क्या हो जा रही है
एक चीज़ घट रहा है दूसरा क्या हो जा रहा है, तो इन्वर्स रेशियो को बता रहे हैं। तो इसलिए डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए, ऐसा या ऐसा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो ये डिमांड कर्व है आपका, ये क्या है बच्चे, ये आपका डिमांड कर्व है। तो पूरा पूरा समझ में आपको लॉ ऑफ डिमांड में, उसकी थ्योरी, उसका शेड्यूल्ड, उसका डायग्राम लॉ ऑफ डिमांड का, क्लियर है। आइए अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डिमांड शेड्यूल्ड। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर थिंग्स क्या, मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर, अभी नहीं करता। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। ये बात समझ में आया क्या है, कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके प्राइस से इनवर्स रिलेटिव है। इन अदर वर्ड्स, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी राइज व्हेन प्राइस फॉल्स। डिमांड बढ़ता है जब उसका प्राइस कम होता है, एंड इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइज। डिमांड कम होता है जब इसका प्राइस बढ़ता है, क्लियर है बच्चे। प्रोवाइडेड द अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड, दस देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। फॉर इंस्टेंस, एन इंडिविजुअल मे डिमांड 1 dozen ऑफ बनाना एट 15 rupees पर डजन। जब 15 rupees दर्जन केला है तो 1 dozen केला ले रहे हो आप। ही मे बी हाउ एवर डिमांड 2 dozen इफ द प्राइस, जब प्राइस 15 से 10 rupees हो जाता है तो आप क्या करोगे, 1 dozen से 2 dozen लेने जाओगे। तो प्राइस कम हो तो डिमांड क्या कर आपने बढ़ा दिया, क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। तो ये चीज़ें तो जो मैंने बताया आप, सेम चीज़ आपको एक शेड्यूल बनाकर उन्होंने बता दिया, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, और डायग्राम बता दिया जो मैंने बताया था आपको। तो समझ में आया आपको।